नमस्कार, मैं हूं स्वप्नाली प्रधान। स्वागत है आपका मेरे चैनल टेरेस टू टेबल में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक सिंपल सब्जी की रेसिपी, यानी आज हम बनाएंगे करेले की सब्जी, जो बनाने में बहुत आसान है। और मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे आपकी सब्जी बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो चलिए बनाते हैं करेले की सब्जी। सबसे पहले हम करेले को काट लेंगे। ये देखिए, इस तरह दोनों साइड से मैंने करेले को काट लिया है। अब हमें इसे बीच में से भी काटना है। और बीज जो है वो हम निकाल देंगे। अब हमें इसे पतला पतला काट लेना है, इस तरह। ये देखिए, इस तरह हमने सारा पतला पतला काट लिया है। अब इसे मैं एक बाउल में डाल रही हूँ। इस तरह मैं नमक डालूंगी थोड़ा, और हमें इसे इस तरह हल्के हाथों से मसलना है, एकदम हल्के हाथों से करना है हमें। और मैं इसे रख दूंगी करीबन आधे घंटे के लिए। प्याज को मैंने आधे में काट लिया है, इसे और आधे में काटेंगे हम। और इस तरह हमें पतले पतले स्लाइसेस करने हैं। अब ये जो करेला है इसमें पानी छूट जाता है, ये देखिए इस तरह पानी छूट गया है। इसे हम थोड़ा स्क्वीज करके देंगे। अच्छे से स्क्वीज कर लिया मैंने, पानी सारा निकाल लिया है। अब हमें इसे फ्राई करना है। ये देखिए कितना पानी निकल गया है, इससे इसकी कड़वाहट कम हो जाएगी। इस तरह मैं करेले को फ्राई कर रही हूँ। मैंने 3 टेबलस्पून तेल लिया है। आपको जैसे लगेगा आप थोड़ा कम ज़्यादा तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमें एकदम अच्छे से करेले को फ्राई कर लेना है। अब हमें इसे निकाल लेना है। उसी कढ़ाई में मैंने और 3 टेबलस्पून तेल लिया है, उसे गरम कर लिया है। और अब हम उसमें प्याज को फ्राई करेंगे। 3 मीडियम प्याज लिए हैं मैंने। करेले की सब्जी को थोड़ा प्याज अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो वो बहुत अच्छा लगता है। प्याज ना थोड़ा स्वीट होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा और जो करेले का बिटरनेस है वो कम हो जाता है। प्याज को फ्राई करते समय हमेशा की तरह थोड़ा नमक, ताकि प्याज अपना पानी छोड़े और एकदम अच्छे से फ्राई हो, नीचे लगे भी ना। प्याज को अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, और अब इसे हम थोड़ा मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे करेला, जिसे हमने फ्राई कर लिया है, और इस दोनों को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। यानी प्याज और करेले को हमें फिर से थोड़ी देर के लिए अच्छे से फ्राई कर लेना है। 3 से 4 मिनट अच्छे से फ्राई करने के बाद मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। 1 टीस्पून का इस्तेमाल मैंने किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन प्याज थोड़ा मीठा होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा हमें तीखा इसे ज़्यादा डालना होता है। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। और मैंने 5-6 करेले का इस्तेमाल किया है मीडियम साइज़, तो इसीलिए मैंने 3 मीडियम प्याज का इस्तेमाल किया है। है ना बनाने में एकदम ही आसान। आप भी इसे ज़रूर बनाइए, मुझे लिखकर बताइए कि आपकी कैसे बनी। साथ ही आप मेरे वीडियोस जो है अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिए, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू।